टाइम, अभी तो वैसे इतना रश नहीं है, बट अंकल की टिक्की और ब्रेड पकौड़े बहुत फेमस है। ये ग्रीन सॉस है, ये आप घर से चटनी बनाते हैं? यस यस, अच्छा घर की है, घर से ही बनाते हैं। ये मीठी चटनी है, ये स्वीट चटनी, और अगर मैं एक दो एक्स्ट्रा भी खा लेती ना फिर भी कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये देसी घी से बना हुआ है। हेलो अंकल जी। नमस्कार जी। क्या बना रहे हो? ये आलू टिक्की है। अच्छा, ये ब्रेड पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा। आलू ये टिक्की किस चीज की है, आलू की या क्या क्या है इसमें? इसमें मटर पनीर, मटर पनीर और दाल स्टफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ की बहुत फेमस है, क्योंकि आप शायद देसी घी में बनाते हैं। देसी घी में बनाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि देसी घी में आज की डेट में कौन बनाता है, पर अंकल जी बनाते हैं और इनकी ये बहुत फेमस है। फेमस है, हाँ। तो आप एक टिक्की लगा दीजिए। कब से कर रहे हो अंकल जी? यहाँ 81 से है। कब से? 81 से है। वेरी गुड अंकल, बहुत पुराने हैं और 81 से अंकल ये काम कर रहे हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं आप? 4 बजे से लेकर 9 बजे तक होते हैं, रात के 9 बजे तक। यस यस। ओके, तो अंकल ये 4 बजे से 9 बजे तक लगाते हैं, और अंकल की बहुत चलती भी है मार्केट का टाइम, अभी तो वैसे इतना रश नहीं है, बट अंकल की टिक्की और ब्रेड पकौड़े बहुत फेमस हैं, जो कि प्योर देसी घी में है, जो कि इतना जंक फूड नहीं है और आपको वेस्ट भी नहीं, नुकसान भी नहीं करेगा, और आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो अंकल जी कितने रुपये प्लेट देते हो? 50 रुपये प्लेट होती है। अच्छा। दो टिक्की आती है एक प्लेट में। अच्छा अच्छा। और 50 रुपये का एक ब्रेड पकौड़ा देते हैं हम। अच्छा, तो ये पहले से बना के रखते हो? ये हाफ फ्राई है, क्योंकि डबल फ्राई होगा तभी तैयार हो पाएगा, क्योंकि मोटा बेसन है और दाल है, मूंग की दाल के बेसन है। अच्छा अच्छा, ये मूंग की दाल, मूंग की दाल और बेसन है दोनों। अच्छा, अच्छा। रखे इसमें। ओके ओके, इसके अंदर आलू की स्टफिंग है, पनीर की स्टफिंग। ओके, तो आप खा के देखते हैं अंकल की टिक्की कैसी लगती है। अगर आपको देसी घी के टिक्की और ब्रेड पकौड़े खाने हो तो आप ये नाम देख लीजिए, कश्यप, और ये किरोड़ीमल कॉलेज के बैक साइड में है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और आप इसे खा। थोड़ा सा कैबेज है, थोड़ा ऑनियन है। ओके, ये चाट मसाला है, ये अच्छा, ये ग्रीन सॉस है। ये आप घर से चटनी बनाते हैं? यस यस। अच्छा, घर की है? घर से ही बनाते हैं। ये मीठी चटनी है, ये स्वीट चटनी। ओके, ये देसी स्टाइल में खाया जाएगा, चम्मच से लकड़ी में। देसी स्टाइल में खाया जाएगा। थैंक यू अंकल जी, अब इसे खाते हैं हम। मस्त है अंकल की टिक्की, बहुत अच्छा अंकल। थैंक यू, बहुत अच्छा है, अच्छा है टेस्ट बहुत ज़्यादा, और इसे तो अगर हम ज़्यादा भी खा लें तो बहुत अच्छा टेस्ट था, मैंने खाया, और अगर मैं एक दो एक्स्ट्रा भी खा लेती ना फिर भी कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये देसी घी से बना हुआ है। तो आप जिसको भी पसंद हो आप यहाँ पर आओ और खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट है, और बहुत साल से हैं अंकल जो काम कर रहे हैं, और ब्रेड पकौड़ा भी है।